हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिसिंग दांत की, यानी कि जो दांत आपका मिसिंग है आप उसको रिप्लेस कैसे करें फिक्स्ड ऑप्शन के साथ। पहले हमारे पास ये एक मॉडल है जिसमें एक दांत मिसिंग है। अब इसे रिप्लेस करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम इस दांत का और इस दांत का नस का इलाज करें और उसके बाद इसके ऊपर कैप लगा दें। ये दांत के नस का इलाज हो गया, अब हम इसके बाद इसको छोटा करके इसके ऊपर एक 3 यूनिट का ब्रिज लगा रहे हैं, यानी कि ये एक कनेक्टेड ब्रिज है जो कि तीनों दांत की सपोर्ट ले रहा है। जो खाली पार्ट था उसमें भी एक क्राउन आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इन दोनों दांतों को छेड़े बिना सिर्फ जो दांत मिसिंग है उसका इलाज करें। अब वो इलाज कैसे पॉसिबल है? वो इलाज पॉसिबल है आजकल की लेटेस्ट टेक्निक के साथ, यानी कि इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में हम क्या करते हैं? इम्प्लांट में हम एक टाइटेनियम का स्क्रू हड्डी के अंदर प्लेस करते हैं। ये स्क्रू आपकी हड्डी के अंदर 3 से 6 महीने तक प्लेस किया रहता है। इसके बाद ये 3 से 6 महीने में हड्डी के साथ अपनी पकड़ बना लेता है, जिस पकड़ के कारण ये स्ट्रेंथन हो जाता है। और उसके बाद हम एक मेटल का पोर्शन इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। इस पोर्शन को लगाने के बाद हम वेट करते हैं कि इसके ऊपर क्राउन लगाएं। वो क्राउन लैब से तैयार होके आता है और हम इसके ऊपर ऐसे ही क्राउन लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। जो इम्प्लांट है उसका ये फ़ायदा है कि हम इन दोनों दांतों को बिना छेड़े एक ही जगह पे एक स्क्रू लगा देते हैं, जिसके कारण हमारे सही दांत बिल्कुल सही रहते हैं। जो दूसरी ऑप्शन थी हमारी, यानी कि ब्रिज, उसमें हमें एक नुकसान ये है कि हम इन दोनों दांतों को छेड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक थे, और इनका इलाज करके इनके ऊपर क्राउन लगा रहे हैं। बाकी जैसे आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं दोनों ऑप्शंस में से, वो आप अपना यूज़ करके करवा सकते हैं। हमारे से कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे या फिर नंबर्स पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू।